जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मिस्टर स्कैल्पर की एक और नई वीडियो में। और मैं हूं आप सभी का दोस्त संचित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। आज के लिए हमारा क्या व्यू था, कल के लिए हम किन व्यूज़ को लेके चलेंगे, टेलीग्राम पे मैंने आप लोगों को कौन कौन से ट्रेड दिए थे, कौन कौन सी अपडेट्स दी थी, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जो है वो चर्चा करने वाले हैं। साथ ही में आज मार्केट ने किस प्रकार का मोमेंटम करा, इतनी ज़बरदस्त वॉलीटिलिटी के बाद मार्केट अपने डेज हाई पे बंद हुआ है, तो कल के लिए क्या ट्रेड आप लोगों का बनता है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यार, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप पर ट्रेडिंग आइडियाज़ जो है, जो मेरे को लगता है वो मैं आपको लेवल्स जो है वो बता देता हूँ। अब लेवल्स पर आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे वो आपकी मर्ज़ी है, और ज़्यादा अगर आप लोग हेल्प चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मैं एक जो है हमारा एक ग्रुप बन रहा है जहाँ पे हम लोग ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है उस पर आप फ्री टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जाके आपको सारी चीज़ें जो है वो बता दी जाएंगी। तो चलो यार, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमारा कल के लिए क्या व्यू था। कल हमारा जो व्यू था, हमारा व्यू सिंपल था, अगर हमें सेलिंग करनी है मार्केट में तो 400 के नीचे हम लोग सेल करेंगे। 14,400, 420 ये जो लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। अगर आपको आगे भी किसी भी दिन ये जो लो है ये टूटता हुआ दिखे ना, तो आप लोग मार्केट में एक फ्रेश एग्रेसिव सेलिंग जो है वो आती हुई देखेंगे, जो आपको 14,000 के लेवल्स तक लेके जाएगी। अगर ये मार्केट जो है यहाँ पे जो गिरता है, यहाँ पे सेलिंग आती तो आज मार्केट में अच्छा सेल ऑफ देखने को मिलता। मगर हुआ क्या, सुबह के टाइम पे मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया था, आरबीआई गवर्नर की ये जो न्यूज़ थी ये आ चुकी थी, आरबीआई गवर्नर विल बी लाइव एट 10 AM। अब उससे क्या हुआ, एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखें कल लगभग 140 पॉइंट्स डाउन था, और आज जो उम्मीद थी वो ओपनिंग होने की थी 14,400 के नीचे, इस लेवल के आसपास जो है ओपनिंग होने की हमारी उम्मीद चल रही थी। मगर आरबीआई गवर्नर के आने से जो है मार्केट में आपने देखा गैप अप मिल गया हमें, एक अनएक्सपेक्टेड गैप अप हो गया। अब मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया है, अगर मार्केट मोमेंटम डेटा के अगेंस्ट एक अनएक्सपेक्टेड जो है गैप अप या गैप डाउन करता है, मतलब डेटा हमें कह रहा है कि मार्केट बेयरिश है मगर उसके बाद भी मार्केट गैप अप करता है, अगर हमें डेटा कह रहा है कि मार्केट बुलिश है और उसके बाद भी मार्केट गैप डाउन करता है, तो वहाँ पे इमीडिएट सेल ऑफ आता है। और ये चीज़ मैंने आप लोगों को बार बार दिखाई है, कल के दिन भी सेम ऐसा हुआ, नेगेटिव डेटा पे गैप अप खुला बिकॉज ऑफ न्यूज़ फ्लो और वो सेल ऑफ के लिए आ गया। आज देखिए आप, गैप अप हुआ 14,606 के ऊपर जो है गैप अप हमें देखने को मिला, और इमीडिएट सेल ऑफ आया जो हमें 14,536 तक लेके आया, तो यहाँ पे 70 पॉइंट्स आपको मिले। उसके बाद इसने दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करी और दोबारा ये सेल ऑफ होके लोज जो है, जैसा कि मैं आपको टेक्निकली हर बार बताता हूँ, जो लास्ट डे की क्लोजिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इस इंपॉर्टेंट क्लोजिंग के आसपास जो है मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम दिया, पहली बात। दूसरी बात, सुबह जो मैंने आप लोगों को निफ्टी के लिए रेंज दी थी, मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियर बता दिया था, एग्रेसिवली हम लोग निफ्टी को बाय तब करेंगे जब 14,710 के लेवल्स के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा। 14,710 का लेवल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट है, और उसके ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करता है तब तक हम लोग, सस्टेन का मतलब है 5 मिनट की 2 कैंडल्स, अगर आप एग्रेसिव हैं, एग्रेसिवली ट्रेड करना चाहते हैं, और अगर आप थोड़ा पैसिव ट्रेडर हैं तो 15 मिनट की 1 कैंडल की क्लोजिंग आपको चाहिए। ये चीज़ हमें नहीं मिली। दूसरी चीज़, मैंने आप लोग को टेलीग्राम पर अपडेट किया था कि बैंक निफ्टी की क्लियर कट रेंज है 32,000 से लेकर 32,600-32,700 की रेंज है, इसके ऊपर रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि भाई किसी भी पोजीशन में एग्रेसिवली मत रहना, क्योंकि आज आपने वॉलेटिलिटी का, आपको मैं एग्जांपल अगर यहाँ पे दिखाऊं तो ये बैंक निफ्टी की एक 5 मिनट की कैंडल देखिए, इसका टॉप है 32,615 और इसका लो है 32,068। तो आप समझ लीजिए कितनी वॉलेटिलिटी है, मगर हमारी रेंज जो है कहीं भी ब्रीच नहीं हुई, पूरे दिन ये हमारी रेंज में घूमता रहा, और इन दी एंड इसने 700 की रेंज का ब्रेकआउट दिया, फेल हुआ, फिर दोबारा ब्रेकआउट दिया, फिर फेल हुआ, और फाइनली इसने डेज हाई पे ब्रेकआउट लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल के दिन हमें गैप अप जो है देखने को मिल सकता है, पहली चीज़।
दूसरी चीज़, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो नहीं आती अमेरिका में, जैसे कल एक बैड न्यूज़ आ गई थी जिसकी वजह से हमें इमीडिएट सेल ऑफ देखने को मिला था, क्योंकि वो रेट्स के ऊपर उनके जो वित्त मंत्री, उन्होंने जवाब दिया था कि भाई हम रेट्स बढ़ाने वाले हैं, इस वजह से पैनिक सेल ऑफ आया था। दूसरा, मैंने आप लोगों को 12 बजे के आसपास एक ये आपको सेटअप दिखाया था निफ्टी को, अगर आप देखते हैं यहाँ पे, और मैं सारी ट्रेंड लाइन्स अभी आप लोगों के लिए हटा देता हूँ, चार्ट क्लियर कर देता हूँ। देखिए, निफ्टी में अगर आप 5 मिनट चार्ट लगाते हैं तो आपको एक क्लियर कट ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दोनों साइड ट्रेंड लाइन की जो है वो दिखा देता हूँ, तो आप लोगों को एक ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई देगा, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इन दी एंड मार्केट ने क्या किया, ये ट्राइंगल फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट ने आप लोगों को ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने एक हाई लगाया 14,635, मगर 5 मिनट की 2 कैंडल क्लोज नहीं हुई हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर, जो कि 200 डे ईएमए है। ईएमए बहुत लोग पूछ रहे थे, ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसने बहुत एग्रेसिवली मार्केट को रोक के रखा इन दी एंड तक, वो तो एंड में शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस किया है, वरना मार्केट नहीं क्रॉस कर पा रहा था 1,426.25 की रेंज। और ये रेंज मैंने कैसे निकाली, अगर आप देखें तो ये रेंज आप लोगों को इस लेवल के आसपास बनती है। एक तो 200 ईएमए यहाँ पे है, दूसरा अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ये पैनिक बॉटम जो है यहाँ पे बना था, यहाँ पे गैप फिल था, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक साथ आ रही थी। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को बोला था, जब तक 14,620 के ऊपर मार्केट नहीं निकले, आप लोगों को लॉन्ग नहीं जाना है। इन दी एंड मार्केट ने निकाला है, इसलिए मैंने सभी लोगों को बोला कि टेक्निकली तो भाई शॉर्ट्स ले जाना नहीं बनता है, कल के दिन क्या हो सकता है। अभी भी मैं उसी बात पे कायम हूँ, एग्रेसिव लॉन्ग आपको तब तक नहीं होना है जब तक 14,010 हमें नहीं निकलता। 14,010 निकलेगा तो मैं एक्सपेक्टेशंस रख सकता हूँ कि मार्केट एटलीस्ट 14,780 का लेवल हमें दिखाएगा, 770, 780, और उसके बाद अगला लेवल जो होगा वो 14,820 के आसपास हमारा अगला रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट में बन के आता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के लिए हैं। डाउनफॉल कहाँ से आ सकता है, अगर मार्केट कल 14,570 के नीचे जाता है तो हमें एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। बाकी ये लेवल्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल है, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी लेवल्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता रहता हूँ। बैंक निफ्टी के लिए अब कल के लिए हमारा क्या प्लान है, अगर आप यहाँ पे देखें, बैंक निफ्टी में एक ब्यूटीफुल ब्रेकआउट हुआ है, कोई इसमें शक है ही नहीं। बैंक निफ्टी इस वक्त बुलिश लग रहा है, बहुत स्ट्रांग लग रहा है, इमीडिएटली निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। तो कल के लिए क्या रेजिस्टेंस है, देखिए यहाँ पे गैप छूटा हुआ है बैंक निफ्टी का, ये जो इसने गैप डाउन किया था, तो अगर मैं बैंक निफ्टी को यहाँ पर लगाता हूँ तो 33,000 और 33,050 की रेंज जो है एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। ठीक है, अगर गैप अप होता है और बैंक निफ्टी 33,050 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हमें इसमें एक एग्रेसिव बाइंग जो है देखने को मिल सकती है, और उसके बाद हमारा जो पहला टारगेट होगा शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से, वो 33,300 के आसपास पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट मार्केट इस गैप तक भी आ सकता है 33,700 तक। तो एग्रेसिव मोमेंटम हमें कल देखने को मिल सकता है अगर गैप अप होता है तो। अगर गैप अप नहीं होता है और फ्लैट ओपनिंग होती है, तो मैं एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ कि मार्केट कल इसी रेंज में रह जाएगा और रेंज बाउंड ट्रेड हमें देखने को मिलेगा। डाउनसाइड अब तभी होगा जब 32,750 का जो लेवल है, मेरे लिए आप 700 का लेवल मान लीजिए, 32,700 के लेवल के नीचे अब जब मार्केट जाएगा तो हम सेलिंग के लिए सोच सकते हैं, और हमारा टारगेट होगा 32,500 के आसपास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स और अपडेट हैं कल के लिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।